अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखरो ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब, अहले शौक सिंध और बिलखसूस अहले शौक कराची बिला तफरीक जितने भी अहले शौक हैं, दोस्तों आपकी खिदमत में नागिन चुरंगी उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब उनकी छत से बराह रास्त हाजिर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब दोस्तों, हाँ ठीक है वो साथ सर बता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब पहले तो आपको माशाल्लाह मुबारक हो, बहुत बहुत आपने अपनी माजी की रवायात को 27 तारीख को एक दफ़ा दोहराया और आपने बड़ी शानदार कामयाबी, बड़ी अच्छी इनिंग्स आपके कबूतरों ने खेली, बड़ी अच्छी इनिंग्स आपके कबूतरों ने खेली और आपने 161 घंटे 59 मिनट बनाकर, मैं समझता हूँ ये इस परिंदे की हिम्मत है हाजी साहब, कितना लगातार उड़ना, इसकी कुछ चंद वजूहत होती हैं हाजी साहब। कबूतर तो तमाम लोगों के पास हैं, तो हाजी साहब ये जो कबूतर आपके हाथ में है, हम इनको ज्यादा तंग नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने फिर दोबारा सामने रखे हैं, इसको सामने रखे, नहीं नहीं अपने सामने इस तरफ, नहीं नहीं ऊपर कर गया इसको, बस यहाँ पे ये दोस्तों ये कबूतर, ये पट्टी वाले कबूतर हैं हाजी साहब, इसकी मोर दिखाएं लोगों को जरा अंदाजा, ये देखें ये स्टैम्प उस दिन 4 नंबर की स्टैम्प थी, उस्ताद अब्दुल बासत की छत से आया लड़का उमर, उसने उस दिन मुनसफी के फराइज सर अंजाम दिए थे। ये इस कबूतर को देखें आप, माशाल्लाह भाई साहब इस कबूतर, ये कितना उड़ा, कितने बजे ये उड़ा, कितने बजे बैठा, ये जरा दोस्तों को बताएं। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन आपने हर वीडियो के अंदर बताया, ये 27 तारीख को सुबह 7 बजे उड़े थे और 28 तारीख की सुबह 7:41 पे ये बैठा था कबूतर। तो कितनी टोटल कितने घंटे बनते हैं ऐसा भी इसकी उड़ान के? 24 घंटे 41 मिनट उड़ा कबूतर ये दोस्तों हाजी साहब का, ये जो वो कबूतर है इन्होंने 24 घंटे बल्कि 41 मिनट ऊपर ये बैठा, 7:41 पर ये बैठा ऐसा भी, इसका जरा थोड़ा सा कुंदा दिखाए, ये आप इस कबूतर का कुंदा देखें, ये पट्टी वाले कबूतर हैं दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा कुंडा दिखाया जी साहब, या आप इसका दूसरा कुंडा भी देखें, दोस्तों आप ये जो 3 कलियां होती हैं आखिरी, मैं कबूतर परवर तो नहीं हुई, ये मेरा मजमून जरूर है, 8वीं 9वीं 10वीं कली, ये आपको परवाजी कबूतर दिखाने का मतलब ये होता है ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो। माशा इसकी आंख दिखाएं हाजी साहब, हाजी साहब इस आंख को आप क्या बोलते हैं? ये ताकी आंख है, दो ताकी हम जिस तरह बोलते हैं। अच्छा एक आंख इसकी ताकी है। अच्छा अच्छा दोनों ताकी, दोनों ताकी आंखें हैं इसकी। जी जी माशाल्लाह। पंजे दिखाएं हाजी साहब इसके, माशाल्लाह। इसी तरह दोस्तों ये उस्ताद गुलू हाजी साहब के साथ बैठे हुए हैं, ये एक दूसरा कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूं, अब उस कबूतर ने 24 घंटे 41 मिनट वो उड़ाए और गालबन इनके जो दो कबूतर थे ये 25 घंटे 4 मिनट और 25 घंटे 7 मिनट लगातार उड़कर बैठे। ये भाई साहब ये थोड़ा ना इधर अपने इधर 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 रखें, बस बस इधर 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 ये सामने, ये दोस्तों ये आज साहब से पूछेंगे कि ये जो कबूतर है आज साहब का, ये कितने घंटे उड़ा, इसकी मैं आपको आंख भी दिखाऊंगा आज साहब, ये कबूतर कितने बजे बैठा था? ये 8:04 पे बैठा था, ये 8:04 पर, ये समझे 25 घंटे 8 मिनट, 25 घंटे 4 मिनट, 25 घंटे 4 मिनट। तो दोस्तों आप ये देखें, ये आठ पाव का प्री, कितना छोटा सा जिस्म है इस कबूतर का,
लगातार उड़ना, मैं समझता हूं कि एक इंसान भी अगर 24 घंटे अपना बाजू हिलाता रहे तो दूसरे दिन वो अपना बाजू नहीं उठा सकेगा, मगर ये इनकी हिम्मत है। माशाल्लाह, इसकी आंख दिखाया है सब। ये अब आप इसकी आंख देखें, ये आपको मुख्तलिफ नजर आएगी इसकी आंख। ये हम जिसको जर्ची आंख, पीली आंख कहते हैं, ये वो आंख है। ये दोस्तों अगर आपने बाज या लगड़बैरी को देखा होगा, अक्सर उनकी आंखें जो हैं वो इस तरह की होती हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह। कुंडा दिखाएं साहब। ये दोस्तों हम इन कबूतरों को ज्यादा तंग नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने अगले दिन परसों फिर 30 तारीख को दूसरी उड़ान है। अब इसका कुंडा आप देखें, इस कुंडे की बनावट देखें, इसकी आखिरी आठवीं नौवीं दसवीं करी दूसरा कुंडा दिखाएं ताकि जल्दी जल्दी इनको हम बेचारों को फर्क करें। हाँ नहीं नहीं नहीं, पंजे दिखा दें ऐसा, बस ठीक है ठीक है। ये पंजे देखें आप इसके, ठीक हो गया। ये बंद हो गए, छुड़वा दे इसको, ये अभी बंद हो जाते हैं, पानी खत्म होता है, बंद कर लेते हैं। आप बंद कर दो। ये दोस्तों एक तीसरा कबूतर है, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि आजी साहब के तीन कबूतरों ने 24 घंटे 25 घंटे 25 घंटे साथ की लगातार परवाज देकर माशाल्लाह आजी साहब की कामयाबी में बड़ा आम रोल। ये छोटे छोटे परिंदे हैं, इनका जिस्म कोई इतना बड़ा नहीं है, बड़े स्लिम बड़े छोटे। ये आप इसको देखें, इस कबूतर को माशाल्लाह, आंख दिखाएं साहब। कुंडा दिखाएं साहब, इसका भी कुंडा देखें दोस्तों आप, आठवीं नौवीं दसवीं कली, इनके कुंडों की भी बनावट आप देखें। दूसरा कुंडा दिखाएं साहब ताकि उनको हम तंग ना करें। ये दोस्तों आजी साहब की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी शफकत है, वरना उड़ने वाले कबूतरों को इतनी देर, ये बड़ी मेहरबानी है आजी साहब की। और मैं समझता हूँ ये एक सेगमेंट भी यादगार सेगमेंट होगा हमारा। माशाल्लाह, पंजे दिखाएं साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आज साहब, बहुत अच्छा। आज साहब ये तो हमने कबूतर दिखाए, जी जी, कुछ चंद बातें भी मैं समझता हूँ, पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे आजी साहब, ये अल्लाह की अमानत है। जी जी, सबसे पहले तो आज साहब मैं आपका इंतहाई, ये नहीं है कि आप मेरे मुंह पे बैठे हुए हैं, ये कोई अमली हवाला जात हैं। जी जी, ऐसा मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि पन्ने कबूतर परवी के शोभा के हवाले से जब मैंने कराची से आगाज किया, आपसे ही मेरी पहली मुलाकात हुई, डॉक्टर अमजद वहीद के घर हम तमाम दोस्तों से मिले, और उस दिन मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि मैं इंशाल्लाह आप याद करते रहेंगे, मैंने अपने कुछ चंद दोस्तों के साथ अपना तल्लक ख़त्म नहीं करना इंशाल्लाह, भले ये दुनियादारी है, ये मामलात ख़त्म हो जाएँ, मगर ये है कि आप लोगों के साथ मेरे रवाबत मेरे तल्लक इंशाल्लाह जब तक मेरी सांसें वफा कर रही हैं वो आपके साथ रहेंगे। हाजी साहब आज कबूतर परवी के हवाले से कुछ चंद बातें आप लोगों की ज़बानी कुछ लोग सुनना चाहते हैं। हाजी साहब पहले तो आप ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में ये सफ़र कैसे आया, कि कोई मारूसी सिलसिला था, ख़ानदानी सिलसिला था, क्या था? ये शौक़ जो है, पहले हमारे उस्ताद जो इरफान उफ खाले थे, उनका शौक़ था ये, वो हमारे रिश्तेदार भी थे, पर उसके बाद मेरे बड़े भाई को शौक़ हुआ स्कूल लाइफ के अंदर, उनका तो ख़त्म हो गया, भाई मेरे को ये शौक़ लग गया, और जब से ये शौक़ का सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह। पहले पापुश के अंदर हम रहते थे तो वहाँ भी माशाल्लाह हम उस्ताद खाले के नाम से छत उड़ाते थे, और वहाँ भी बड़े अच्छे रिकॉर्ड बने माशाल्लाह, 3 दफ़ा तो लगातार हैट्रिक की, हमेशा किसी न किसी नंबर पर रहे, शुरू से जब से उड़ा रहे हैं किसी न किसी नंबर में रहे।
तो आई साहब, ये उस्ताद इरफान की आपने बात की, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मगफरत फरमाए। ज़ाहिर है आपका एक तलक था, खानदानी तलक भी रहा है। ये तमाम रमूज व औसाफ जो हैं कबूतर परवी के, उन्हीं से आपने सीखे? जी जी जी, वो बड़ा माहिर थे जोड़ा लगाने के अंदर। उनका ये मामूल था, वो बड़े बड़े लोगों से कबूतर नहीं लेते थे। उनका काम था, जूते की एक दुकान थी शूज़ की उनकी सदर के अंदर। वो सुबह जाते थे दड़वियों पे, ऐसे घूमते हुए जाते थे, कट्टू कबूतरों में से कोई रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का कबूतर ले लिया, छुड़वा दिया छत पे। कभी कोई मादिन मिली, ये बेटा इससे लगा देना। तो इतने बेहतरीन ये नहीं उड़ते थे, बहुत कारीगर आदमी थे जोड़ा लगाने के, वो माशाल्लाह, और बहुत जबरदस्त इंसान थे। और उड़ाने पे भी आजी साहब, उड़ाने पे भी लाजिम बात है उन्हीं, सब कुछ आप जी 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 जी। तो आई साहब, क्या वो उस वक्त लोग, आजकल तो पता है आपको बड़ा मॉडर्न दौर है जी जी, बड़ी लोग तरक्की कर गए हैं पंजाब में, तो ईवल मोतीवाल और कई सारे मामलात हैं जी जी। तो क्या उस जमाने में देसी मामलात होते थे कबूतर परवी के हवाले से? जी जी, उस जमाने में ज्यादातर देसी होते थे, और ये जो मेडिसिन तो बड़ा नामी होती थी बल मेडिसिन, और अभी भी हमारा ज्यादातर जो है ना देसी, उसके ऊपर ये मेडिसिन तो बड़ा नामी होती। तो आई साहब खुद बनाते हैं वो? जी जी, सीखा भी उनसे जी आपने। जी। दूसरा जी साहब, आप दो किस्म का शौक कर रहे हैं, हाई फ्लाइंग पिजन का शौक भी कर रहे हैं आप, बयाकवक्त और साथ पट्टी वाले कबूतरों का। ऐसा मौसम जो है, हम ये किसी पे तनकीद नहीं करने लगे, ये मैं बार बार ये बात करूंगा, कौन सा मौसम ज्यादा यहाँ फिट है हाई फ्लाइंग पिजन के लिए या पट्टी वाले कबूतरों के लिए? हम ये नहीं कहते हैं कि लोग गिरेबाज कबूतरों का शौक ना करें, वो भी अब जो है आप देख रहे हैं, आसिफ जमाल आया है, आप लोग करवा रहे हैं, इसी तरह सरदार कयूम करवा रहा है, और भी क्लब हैं वो सारे करवा रहे हैं। तो ये मौसम के हवाले से गिरेबाज और पट्टी वाले कबूतरों में कराची का जो मौसम है, किन कबूतरों को ज़्यादा सूट करता है? देखिए, कराची का मौसम जो है ना और जगहों से मुख्तलिफ है बिल्कुल। यहाँ पर जो है 3-4-5 किस्म का जो है ना मौसम चेंज होता है, सुबह से शाम तक मुख्तलिफ हवाएं चलती हैं, और हवा ज़्यादा प्रेशर होता है हवा का। उसके अलावा काबलियों के लिए तो अप्रैल का मौसम जो है कराची के अंदर सूट करता है, कि वो मौसम सही है अप्रैल का। उसमें ऐसा हवाएं वगैरह इस तरह नहीं चलती? कभी कभी चलती हैं, भारत ज़्यादातर बेहतर होता है काबलियों के हिसाब से, और पट्टी वालों के लिए मई जून जो है ना ये ज़्यादा बेहतर है, मई जून का। जी जी, मतलब वो मौसम इनको ज्यादा ज्यादा सूट करता है। अच्छा, ऐसा इनके कोई गिरेबाज कबूतरों के और पट्टी वाले कबूतरों के, इनके कुछ दाने पानी में भी कोई फर्क है, होता है कोई सिलसिला? लाजमी बात है, फर्क तो है इनके अंदर। इनको सुबह जो है ना लोड करके उड़ाया जाता है बिल्कुल फुल पेट करके, फुल पानी दे के। काबलियों के साथ तो ये अमल नहीं होता, थोड़ा बहुत पानी दे के, उन्होंने 8-9-10-12 घंटे उड़ना होता है। जी जी जी। उसके बाद आई साहब, जो दाना है, मतलब एक दाना आप डालते हैं, गरीबाजों को भी डालते हैं, ज़ाहिर है इनको भी, उस दाने में भी कोई फर्क होता है आम जो दाना हम डालते हैं? नहीं नहीं, दाना तकरीबन वही है, दाना तो एक ही जैसा तकरीबन। अच्छा, दूसरा आई साहब, मैंने देखा है कि अक्सर गरीबाज कबूतरों को लोग जो है पंजाब में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, कि बादाम की खुराक जो है वो तैयार करके जी जी भिगोते हैं बादामों को, उसके बाद फिर दोरी में उनको कूटा जाता है, उनकी गोलियां फिर बना के वो देते हैं। पट्टी वाले कबूतरों के साथ भी आप इस तरह करते हैं? पट्टी वालों को तो बादाम जो है ना काट के देते हैं हम लोग शाम अच्छा। में जो है ना, और रेस्ट वाले दिन जो उसी तरह बना के देते हैं खुराक बना के ना। सही, रेस्ट वाले दिन। अच्छा, रेस्ट वाले दिन जो है जिस तरह वो आम उसका मैलूर बना जी, के जी, फिर उसी तरह देते हैं बिल्कुल। उसमें हाजी साहब कोई अपना कोई नुस्खे मुस्खे कोई इस तरह की चीज? सादी से खुराक, सादी खुराक होती है, मुनक्का वगैरह आम से जो चीज होती है वो डलती है, उसमें 2-4 चीज होती। क्या समझते हैं आप हाजी साहब, को अच्छा पैगाम दें दोस्तों को, क्योंकि लोग आज आप देख रहे हैं कि पंजाब में खास करके हाई फ्लाइंग पिजन का शौक बड़े अरूज पर है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, कबूतरों का अच्छा आना जरूरी है, मेहनत ये जरा दोस्त, क्योंकि अब नौ भारत लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस शौक में, ताकि उनको पता चले आप जैसी शख्सियात के मुंह से वो ये सुने कि कबूतरों को किस तरह रखा जाता है, किस तरह पाला जाता है, कौन सी मतलब खून अच्छा होना चाहिए कि कबूतर सिर्फ देख के आप उड़ाएं, इस पे जरा थोड़ी सी मुफसल। सबसे पहले तो जो है ना मैं सबको ये कहूँगा कि अखलाक और किरदार अपना जो है ना वो अच्छा करें, माशाल्लाह, उसके साथ ही सारे मामलाते हैं। और जहाँ तक कबूतरों की बात रही, कबूतर तो देखें सबसे पहले कबूतर ही है, कबूतर आप अच्छा बनाएं ब्लड वाइज, बाकी तो नाम आपको पता है, मोल्डिंग करके बहुत ज़्यादा लोग आजकल जो है ना बेच बाच रहे हैं कबूतर। आप ब्लड के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, जो आपके कबूतर उड़ रहे हैं उनको आप फॉलो करें, उनको चेक करें, और कोशिश करें कि उन्हीं के जोड़े डालें आप,
जी साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं पंजाब में हम देखते हैं, क्योंकि हमारा जिला वैसे भी पैसों के हवाले से भी बड़ा जरखेज है। लोग रंग डंग देख के ले आते हैं, उनको दो दो साल संभालते हैं, रिजल्ट उनका कुछ नहीं होता। जी जी, इसकी क्या वजह है इसका? देखे ना बाबू, तो मोल्डिंग करके बेचते हैं खूबसूरत करके। देखे ना, कबूतर खुद उस्ताद है। जो आपके घर के ऊपर कबूतर उड़ रहा है ना, उसको आप चेक करें, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। उसके पर देखें, उसकी हड्डी देखें, उसके जोड़ देखें कि भाई क्या इसका फर्क है, और कोशिश करके उन्हीं के जोड़े डालें आप, तो वो उनसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट होगा। और बहुत जल्दी आप यानी उड़ानों के अंदर हर चीज़ के अंदर बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। माशाल्लाह दोस्तों, हाजी साहब से आपकी बड़ी खूबसूरत बातें हुई। हाजी साहब, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट उड़ान। एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए पंजाब के अंदर तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शौक होता है, और बड़ा लोग जो है ना एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं, इज्जत करते भी हैं। कराची के अंदर कुछ मामला और हैं, पर कराची के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना हरीफ को इज्जत दें। देखिए, हरीफ जो है ना आपका शौक करा रहा है, और कहीं भी हो सभी जगह हरीफ को इज्जत देना चाहिए। और यहाँ जो है ना कुछ मामला जब बाजियाँ लगती हैं, उसके बाद जो है ना तरह तरह की बातें लोग करते हैं, तो उस तरह नहीं करना चाहिए। या तो शौक नहीं करें, और जब हरीफ से शौक करें तो उसको इज्जत दें। और उसके अंदर कोई हार भी होती है, जीत भी होती है जब आप हारते हैं। और मैं सरदार कय्यूम साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि वो एक दफ़ा शौक हमारा उनसे हुआ था, वो जिस दिन बाजी ख़त्म हुई उसी दिन रात को उन्होंने मिठाई भी दी, हार भी पहनाए, और बहुत अच्छे माहौल के अंदर मामला हुए। तो इसी तरह सब करेंगे तो माहौल अच्छा होगा, बाजियाँ भी लगेंगी, शौक भी होगा, कोई किसी से नहीं डरता, अपनी इज्जत से आदमी डरता है। तो लिहाजा एक दूसरे को इज्जत दें, अपने इखलाक से, अपने किरदार से एक दूसरे को इज्जत दें, और एक दूसरे को साथ लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह दोस्तों, आपने हाजी साहब की बातें सुनी, आपने उनके परिंदों का शौक भी किया। तो इंशाल्लाह दोस्तों, दूसरी उड़ान जो है वो हम उस्ताद हाजी यूसुफ साहब के बड़े बेहतरीन दोस्त, मेरा छोटा भाई भी है, वो मेरे मैगजीन की जिम्मेदारियां भी उसके सर सुपुर्द हैं, और वो भी बड़ी मेहनत करता है खसूसी तौर पर ये पट्टी वाले कबूतरों के हवाले से। तो इंशाल्लाह दोस्तों, दूसरी उड़ान जो है वो हम उस्ताद अब्दुल बास 30 तारीख को, वो आपने देखना नहीं भूलना। ये इसलिए है कि आप लोगों को आगाही फराम हो। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि लाला जी किस तरह एक कबूतर उड़ गया, 161 घंटे 7 कबूतरों के साथ किस तरह बन गए। मेरा गुज़श्ता रोज पूरा दिन और रात जागने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को आगाही फराम हो कि किस तरह ये रेगुलर उड़ते हैं कबूतर, क्या क्या इनके मामलात होते हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों, अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ ऑफ कराची, उनके डेरे से लाला जी इजाजत चाहेंगे कि दोस्तों जिंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों जिंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं जिंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ हाजी साहब की दुआएं समेटता हुआ, आप दोस्तों की दुआएं समेटता हुआ, मैं आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।